क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट बी, एक्सरसाइज 12.1, आइडेंटिफाई टर्म फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दी है इनमें से आपको टर्म और फैक्टर निकालने हैं। टर्म क्या होता है, जैसे कोई भी साइन होता है उसके दो जो पार्ट होते हैं, जैसे ये साइन है यहाँ पे, इसके इस साइड पार्ट है, ये साइड है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे। ऐसे यहाँ तीन है, यहाँ पे भी देखिए दो है, इधर भी दो है, यहाँ पे भी दो है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस का साइन है, ये पूरे ग्रुप, एंड ये थर्ड टर्म। तो पार्ट मीन्स, टर्म मीन्स होता है जो आपके साइन और प्लस या माइनस के साइन के बाद जितना भी पोर्शन शो होता है उसके टर्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे टर्म कौन कौन से हैं आपके, एक तो 4x और ये 5, ये आपके टर्म है। नेक्स्ट वाले का क्या टर्म है, माइनस 4x, एक टर्म ये है, प्लस का साइन आ गया, और दूसरा आपका 5y। इसमें भी आपके 5y और 3y स्क्वायर दो टर्म है। 5y के नीचे एक लिखना है, अलग अलग शो होना टर्म, देन 3y स्क्वायर। इसमें xy, 2xy स्क्वायर, इसमें भी xy, फिर 2x स्क्वायर y स्क्वायर इसके टर्म है। देन PQ प्लस Q, PQ और ये Q, इसमें तीन टर्म है, देखिए 1, 2 एंड 3, थ्री टर्म्स है। पहला है 1.2AB, दूसरा है माइनस, माइनस का साइन यूज करेंगे 2AB, फिर 3.6A, ये इसके टर्म है। नेक्स्ट G वाला, इसमें भी टू टर्म है 1 एंड 2, तो 3, 4x 1/4। देन लास्ट वाला है, इसमें कितने 1 एंड 2, तो आपका 0.1P स्क्वायर और 0.2Q स्क्वायर इसके टर्म हो गए। अब इनके फैक्टर्स निकालने, फैक्टर में से इस टर्म में कितने पार्ट है, जैसे आप 24 होता है कोई नंबर, तो 24 किन कितने में डिवाइड हो सकता है, 24 का कैसे निकालते थे आप, ऐसे हम निकालते थे 24 कैसे, तो 2 1 2, 2 2 4, ऐसे इस तरह से निकालते, तो ये फैक्टर कहलाता था 2 का। फिर ये भी फैक्टर, 2 6 12, 2 3 6, ये सारे इसके फैक्टर कहलाते थे, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर कहलाते थे इसके। और फैक्टर मेथड से निकालते थे तो हमको ये देखना पड़ता था कि 24 में कितनी बार आता है। ऐसे इसमें फैक्टर, इसमें क्या क्या है, 4 को कितने पार्ट में डिवाइड, 4x को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो एक तो 4 खुद ही एक फैक्टर है अपने आप में, और एक इसका x, तो कॉमा लगा के हमने लिखा 4x। देन 5 के संग कुछ नहीं है, तो 5 इसका अकेला फैक्टर है। देन यहाँ पे भी माइनस 4 और इसके संग x है, दूसरा 5y में 5 एक है और इसका y फैक्टर है। इस वाले टर्म में कौन कौन सा है, इस वाले टर्म में 5 है, y है, इसमें देखिए इसमें 3 तो होगा और y स्क्वायर है, मतलब दो बार आएगा y, एक बार y और दूसरी बार अगेन y, तो हो गए इसके 2 बार, इसमें हो गए 2y हो गए और 3, मतलब इसके 3 फैक्टर है। यहाँ पे एक्स वाई के, इसके भी 2 फैक्टर है x एंड y। इसके देखिए इसके कितने होंगे, एक तो 2 होगा, x की पावर 2 है तो मतलब x होगा एक, दूसरा भी x होगा, y की पावर भी 2 है तो y होगा, देन y होगा, तो जितनी पावर होती होती है, मतलब क्यूब होता है इसके ऊपर, 3 लिखा होता तो हम 3 बार x लिखते। ऐसे पी क्यू अपॉन क्यू, ये पी क्यू एक टर्म है एंड क्यू अलग है, तो पी क्यू के दो टर्म होंगे, पी एंड क्यू अलग अलग, एंड क्यू का अकेला सिंगल होगा। देन 1.2AB, तो इसमें 1.2 एक हुआ, देन ए, देन बी, नाउ माइनस 2AB, इसमें होगा माइनस 2 होगा इसका, माइनस ए एंड माइनस ए बी होगा इसका। देन 3.6A में ये ए है, तो 3.6 होगा, एक तो फैक्टर और एक ए होगा। ऐसे जैसे आप अलग अलग करते जाना है, 3.4x है तो इसका 3.4 होगा एक फैक्टर, एक होगा एक्स, 1/4 सिंगल है तो 1/4 का 1/4 है। 0.1 में 0.1 एक फैक्टर, देन पी, और पी की पावर 2 है तो 2 बार हमने पी लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है 0.2Q स्क्वायर, ये टर्म है, तो 0.2 फिर एक क्यू फिर दूसरा क्यू। इस तरह से आपको इसमें से जो एक्सप्रेशन देते हैं इसमें से आपको टर्म अलग करने थे और फैक्टर भी निकालने थे कि टर्म कितने टर्म ही होते हैं, जो भी साइन होता है, अगर एक साइन और होता ऐसे तो ये कितने होते, 3 टर्म, 1, 2 एंड 3, चाहे माइनस का साइन होता चाहे प्लस का साइन होता, 3 टर्म होते 1, 2, 3, पर यहाँ पे कितने दिए, 2 टर्म, यहाँ पे 2 टर्म, 1, 2, साइन के बाद आपके जितने भी पूरे जो ग्रुप कहलाएगा उसके टर्म कहलाएंगे। और फैक्टर मतलब उस टर्म में कितनी कितनी चीजें दी है, जैसे 4 दिया है, इसमें एक्स भी दिया है, इसमें पावर दी थी 3 दिया था, फिर y दिया था, पावर दी थी 2, इसलिए हमने 2 बार किया। तो क्वेश्चन नंबर
2B part is completed.